नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र में आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही थी। कोतवाली थाना क्षेत्र में चार दिन में चार चोरियों को चोरों ने अंजाम दे दिया, जिसके बाद कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइकें भी चोरी हो गई थी, जिसको लेकर खंडवा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने तुरंत एक्शन लेते हुए कोतवाली थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर मोबाइल की दुकान पर चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे के भीतर कोतवाली थाने के अमित यादव और लतेश तोमर ने इस चोर को गिरफ्तार कर लिया। जब इससे पूछताछ की गई तो बताया जा रहा है कि ये चंदन नगर का रहने वाला है और इसका नाम जय उर्फ जमील बताया जा रहा है, पिताजी का नाम कल्लू है। ये कई वर्षों से कोतवाली थाना क्षेत्र के आसपास रह रहा था और ये बाबा बनकर घूम रहा था। बाबा के साथ साथ भीख मांगने का काम भी इसका चलता था। ये इंदौर के चंदन नगर में छोटी मोटी चोरियां करते रहता था, क्योंकि इससे पूछा तो इसने बताया कि ये छोटी मोटी चिल्लरे चोरा करता था, जिसके बाद इस चोर ने मोबाइल दुकान पर हाथ मार दिया। मोबाइल दुकान पर पत्रा तोड़कर दुकान में घुसा और घुसने से चोरी करने से पहले इस चोर ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क निकाल कर ले गया, उसके बाद लाखों के मोबाइल। पुलिस एक्शन लिया और इस चोर को 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया गया। खंडवा नगर पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। रेलवे स्टेशन के सामने विजय और सोनू सिंधी की मोबाइल और उसके एसेसरीज की दुकान है। 6 तारीख और 7 तारीख की मध्य रात्रि को अज्ञात बदमाश ने उनकी दुकान के ऊपर छत का पत्रा हटा करके अंदर प्रवेश करके करीब 20 मोबाइल, जिसमें एंड्रॉयड और नॉन एंड्रॉयड दोनों तरह के मोबाइल थे, वो चोरी किए। साथ ही पावर बैंक और कुछ एसेसरीज भी चोरी की थी। कल इसकी रिपोर्ट होने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था और थाना कोतवाली की जो टीम है, विशेष रूप से संपत्ति अपराधों की पतरसी के लिए लगाई गई है, उस टीम को इसमें लगाया था। तो उन्होंने कई कैमरे और सीसीटीवी फुटेज देखे और देखने के बाद एक काले कपड़े पहनने वाले बाबा जैसा हुलिया के आदमी को उन्होंने अरेस्ट किया और उससे जब पूछताछ की तो वो वही आदमी निकला जिसने चोरी की थी। इसका नाम जमील बाबा उर्फ जय, पिता कल्लू खान, निवासी इंदौर चंदन नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और यहाँ पर मंदिरों में और आसपास की जगहों पर ये इसी भेस में रहता था ताकि कोई ऐसा पहचान न पाए कि मैं आदमी चोर है। और रेलवे में भी यह चलता है। इसके 307 का अपराध एक रतलाम में पंजीबद्ध है, कोई वारंट भी जारी है ऐसा मालूम हुआ है और अन्य जगह भी चोरी का पता चल रहा है। तो इंदौर भी बात कर रहे हैं और हमारे पोर्टल पर भी देख रहे हैं कि इसके कितने रिकॉर्ड हैं यहाँ पर और इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और मोबाइल बरामद किए गए। प्रमुख रूप से जो भूमिकाएं हैं वो लतेश कुमार, अमित कुमार, अनिल बच्छाने, अरविंद सिंह तोमर और सब इंस्पेक्टर श्री, सबसे ज़्यादा जो रहा उनकी भूमिका उसमें संतोष सांवले। इसके अलावा इंचार्ज थाना प्रभारी श्री यादव भी इसमें लगातार सक्रिय रहे और उसी के तारतम्य में सफलता पुलिस को मिली। भिखारी तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन बाबा के बेस में, इसको भिखारी का नहीं कह सकते, बाबा के बेस में ऐसा लगता नहीं था। जैसे सामान्यतः आदमी इसको ऐसे लोग रखता है जैसे बाबा है, एकदम चोर जैसा कोई एहसास नहीं होता इसको देखने के बाद। सभी बरामद हो गए अभी फिलहाल तो अकेला ही आरोपी है और अकेला ही हमने फुटेज में भी देखा है इसको, अंदर जाते हुए भी और आसपास घूमते हुए भी। सर, ये जो चोर पकड़ाया है किस वजह से चोरी करता था, क्या इसका पूछताछ है? चोरी तो धन प्राप्ति के लिए करता है आदमी और इसीलिए कर रहा था, मोबाइल इधर उधर बेचता है। जैसे ही आज सफल हो जाता, अगर ज्यादा समय हो जाता तो जितने भी मोबाइल थे इधर उधर बेच करके धन कमाता है।